आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले काफी बुलंद हैं। मारुति शोरूम पर जहां 7 बदमाशों ने गार्ड को बंधक बनाकर यहां खड़ी गाड़ी और तिजोरी पर हाथ साफ कर लिया, तो वहीं सीसीटीवी कैमरों को भी तोड़ दिया। बताते हैं कि यहां तिजोरी में रखा 15 लाख कैश के साथ जिप्सी में चोर डालकर ले गए, तो वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू की है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसमें कोई जानकार है, क्योंकि तिजोरी का लोकेशन बहुत ही अंदर था, सेकेंड फ्लोर पर अंदर कमरे में था, सटीक जानकारी थी और एग्जिट रूट भी उन्होंने अलग चुना था, तो डेफिनेटली कोई वहां जो अंदर घूमता फिरता या देखा हुआ व्यक्ति है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उन्हीं के द्वारा ये कारनामे को अंजाम दिया गया है। FIR दर्ज कर ली गई है, उम्मीद है कि बहुत जल्द इन बदमाशों को अरेस्ट करेंगे। सीसीटीवी फुटेज मिला है जिसमें कुछ बदमाशों के चेहरे साफ नजर आ रहे हैं और उसको वेरीफाई किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में जहां योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाए जाने को लेकर पूजा अर्चना हो रही है, तो वहीं हवन भी किए जा रहे हैं। इसी के चलते हरदोई में हिंदू महासंघ के पदाधिकारियों ने हवन पूजन कर योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने की कामना की। आज हम विश्व हिंदू महासंघ के सभी पदाधिकारियों ने बाबा विश्वनाथ मंदिर में हवन यज्ञ किया है। माननीय सांसद गोरखपुर योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। यूपी की डायल 100 पुलिस चर्चा में रही है। यहाँ हरियाणा में भाकियू नेता के भतीजे की पिटाई से नाराज नेताओं ने जहाँ सड़क जाम कर दिया, तो वहीं युवक शाम को मोटरसाइकिल से पान लेने गया था, जिससे डायल 100 के सिपाही ने किसी बात से नाराज होकर युवक प्रमोद को जमकर पीटा। वहीं पुलिस आरोप के विरोध में किसान यूनियन के नेताओं ने सड़क पर प्रदर्शन कर पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कल से होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के लिए प्रशासनिक तैयारियों को पूरा कर लिया गया है, तो वहीं सभी केंद्रों पर प्रवेश पत्र बांटे जा चुके हैं। साथ ही कई केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, तो वहीं नकलविहीन परीक्षा कराने के लिए 18 सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ 6 सचल दस्ते बनाए गए हैं, जिसमें इस बार जिले में 1 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। बच्चों की परीक्षा शांतिपूर्ण वातावरण में हो, इसके लिए सभी मिलजुल करके प्रयास करें और अच्छे से परीक्षा संपादित हो, इसके लिए जो है 18 सेक्टर मजिस्ट्रेट भी बनाए गए हैं, 6 सचल दल हैं और साथ ही साथ जिलाधिकारी महोदय द्वारा 21 केंद्रों पे जो है ये स्टैटिक मजिस्ट्रेट भी, जहां पर कोई असुविधा ना हो, परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संचालित हो, इस तरह की व्यवस्थाएं बना दी गई हैं और कल से मुस्तैद होकर सभी अधिकारी अपने अपने कार्य में लगेंगे। श्रावस्ती के सोनवा के नेवरिया में विवाहिता ने फांसी लगाकर जान दे दी, तो वहीं घटना के समय विवाहिता घर में रखी ली थी। बताते कि मृतका का पति से कोई विवाद नहीं था और सब कुछ सकुशल चल रहा था, तो पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पड़ताल शुरू कर दी है। शाहजहांपुर में बाइक शोरूम के पास बाइकों से भरे ट्रक में अचानक आग लग गई, जिसमें ट्रक में लदी बाइकें जलकर खाक हो गईं। तो वहीं दमकल ने आग पर बामुश्किल काबू पाया, तो वहीं सभी बाइकें जल गईं। इलाके में इससे अफरा तफरी मच गई, वहीं हादसे में 30 लाख से ज्यादा का नुकसान बताया जाता है। मोगा में रहने वाले लुधियाना में तैनात आबकारी विभाग में तैनात जगतार सिंह द्वारा महिला को विदेश भेजने के नाम पर होटल में बुलाकर दुराचार करने का मामला सामने आया है। यहां पुलिस ने महिला को मेडिकल के लिए भेजा है, तो वहीं मामला भी दर्ज किया है। जिसके बयान के आधार पर जगतार सिंह पुत्र बलदेव सिंह ईडीओ सेल टैक्स मोगा के खिलाफ मुकदमा नंबर 22 मिति 14/7/14/3/17 जुर्म 376 IPC तहत दर्ज करके अगली कार्रवाई में ली जा रही है। मोगा के मालला खुर्द में अपने ही बेटे द्वारा पिता की हत्या का मामला सामने आया है। यहाँ मृतक के भांजे के अनुसार मृतक लखविंदर का कत्ल उसके बेटे रेशम सिंह ने किया और सिर में मोटा सोटा मारकर उसकी हत्या की, जिसमें लखविंदर की मौके पर मौत हो गई। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की है। आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़।